जिलाधिकारी रीना जोशी ने उत्तराखंड बोर्ड की वरिष्ठता सूची में स्थान हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया है। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों में अनुशासन व चरित्र निर्माण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन का पाठ भले ही बुरा लगे लेकिन वह भविष्य के लिए लाभकारी रहता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अब्बल सिंह तोपाल ने विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में स्कूल ने काफी प्रगति की है। विद्यालय के 11 बच्चों ने सूची में अपना स्थान बनाया है। प्रबंधक कुंदन सिंह परिहार ने बच्चों के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में स्कूल में और सुधार किए जाएंगे। वरिष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे जिलाधिकारी से पुरस्कार प्राप्त कर बेहद खुश नजर आए। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और मैं इस अवसर पर एक और आप लोगों को सूचना शेयर करना चाहूंगी कि मैंने भी अपनी जो प्राइमरी शिक्षा है वो विद्या मंदिर से ही कम्प्लीट की है। मैंने क्लास क्लास द्वितीय से लेकर पंचम तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई कम्प्लीट की है। क्लास सप्तम से लेकर दसम तक मैंने सरस्वती विद्या मंदिर को यूपी में एक जगह है वहाँ से कम्प्लीट की है। तो आज मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जो अनुशासन जो संस्कृति की जुड़ाव विद्या मंदिर से मिलता है बच्चों को, जो हमारे संस्कारों की जो जानकारी है, ये जो संस्कार हमारे हृदय में इंकलकेट कर दिए जाते हैं, ऐसा अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में मेरा थर्ड रैंक आया था और उसी के लिए आज माननीय जिलाधिकारी महोदया ने हमारे स्कूल में आकर जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया और आज 4 अगस्त को यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस साल भर थ्रू आउट द सेशन हम मेहनत करते हैं और उसी के लिए आज यह सम्मान मिला हमें और शायद वही उसका फल आज हमें मिल गया है और काफ़ी अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा मिली उनसे। और आने वाले जितने भी बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी पूरी मन लगाकर मेहनत कीजिए और आप अगले साल आप भी शायद इसी तरह
सम्मानित होंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच। मेरा इस बार उत्तराखंड में 24वां स्थान रहा 92.1% के साथ। इस बार अभी हमें यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है डीएम रीना जोशी मैडम के द्वारा। यहाँ पर कार्यक्रम स्कूल में हुआ था आज, बहुत बढ़िया हुआ। इससे पहले हम देहरादून भी गए थे, वहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमें पुरस्कृत किया था। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेहनत भी की थी और टीचरों का साथ भी था हमारे साथ। मेहनत और माता पिता भी ने हमें सपोर्ट करते रहते थे। तो हमने मैंने जो है जो मेहनत की थी, 2-3 घंटे 4 घंटे जो है लगातार हमने पढ़ाई की थी। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि सब बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और सभी को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नाम रबीना कोरंगा है। मैंने उत्तराखंड में 3रा स्थान प्राप्त किया और गर्ल्स में मेरा फर्स्ट पोजीशन रहा। हमें डीएम से सम्मानित होकर बहुत अच्छा लगा, उनसे हमें प्रेरणा मिली क्योंकि वो भी विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं। उन्होंने विद्या मंदिर के स्कूल में वो जानते हैं कि कैसी पढ़ाई होती है। उन्होंने हमारे स्कूल की बहुत तारीफ़ की। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, आप भी पढ़िए, मेहनत करिए और आप भी मेरिट में आइए, आपको भी ये अवसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। हमारा बहुत ही सौभाग्य रहा कि हमारे विद्यालय के 9 छात्र हाईस्कूल में और 2 छात्र इंटरमीडिएट में वरीयता सूची में उन्होंने स्थान प्राप्त किया था। उसी के निमित्त आज हमने विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा था कि उनका सम्मान हो, उनको और प्रेरणा मिले और बच्चे जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनको भी साथ साथ प्रेरणा मिले। इसी के लिए हमने आदरणीय जिलाधिकारी जी से आग्रह किया था कि वो विद्यालय में हमारे पधारें और हमारे जो वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किए हैं बच्चे उनको पुरस्कार करें। तो जिलाधिकारी जी ने हमारा आग्रह को स्वीकार किया और वो आज यहाँ पर आई थी। निश्चित रूप से हम लोग समझते हैं कि अन्य बच्चों को भी इनसे प्रेरणा प्राप्त होगी, वो भी अच्छा मुकाम हासिल अपने जीवन में करेंगे और इसके साथ साथ समाज में भी एक जो योग्य व्यक्ति का निर्माण जो हमारा लक्ष्य है उस योग्य वो बन पाएंगे। हमने आज अपने उत्तराखंड मेरिट सूची में 11 छात्र छात्राओं ने अपना स्थान प्राप्त किया था, जिसमें 9 छात्र छात्राएं हाई स्कूल के और 2 छात्र इंटरमीडिएट के। तो इन छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिली और आज माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया विद्यालय स्तर पर। इन भैया बहनों को सम्मानित किया गया और सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि भैया बहन आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जिलाधिकारी महोदय से हमने इसलिए इनको पुरस्कृत किया कि इनको भी कुछ प्रेरणा मिली कि हम आगे जीवन में उच्च अधिकारी बने, आदर्श अधिकारी बने, इसलिए हमने इनका यहाँ पर आज आयोजन किया था। मैं आज इस विवेकानंद विद्या मंदिर में के कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ के स्कूल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में बालकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं उन सभी बच्चों के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। एक मैम बेटा बेटी में फर्क वाला भेदभाव काफ़ी कम हुआ है लेकिन फिर भी रह गया है, तो क्या ऐसे पेरेंट्स से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं सारे पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगी कि आज के युग में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और वास्तव में जिनको भी जो अवसर प्राप्त होंगे वो सारे बच्चे यूनिक हैं, उन सभी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए और सभी बच्चे अपने भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो बेटा और बेटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी भेदभाव नहीं किया, इस कारण से मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।